सो हेलो लॉकडाउन एंटरटेनमेंट के व्यूवर्स, तुम्हारा सबसे बड़ा दुख क्या है? दौलत और शोहरत? ना, ये तो बच्चों की बातें हैं। असली दुख तो है हिंदी डब, जो कि कई कई चीजों में अवेलेबल नहीं होती। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ द ड्रैगन को ही ले लो। लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स को ही ले लिया जाए तो आज तक जितने भी शोज बने हैं ये है वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन अब जब गेम ऑफ थ्रोन्स फाइनली जियो सिनेमा पे अवेलेबल है, हिंदी डब के द्वार खुल चुके हैं और ये कन्फर्म न्यूज है, कोई अज्यूम्पशन नहीं। सबसे पहले ये जान लो कि लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना है और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और दूसरी बात ये जान लो कि गेम ऑफ थ्रोन्स पहले भी ऑफिशियली में हिंदी डब हुआ था, HBO हिट्स थे। ये उस जमाने की बात है जब टीवी पे भी गेम ऑफ थ्रोन्स आता था, तब ऑफिशियल डब आर्टिस्ट ने इसको डब किया था 3 सीजन तक। मैं उसकी रानी नहीं बनना चाहती, मुझे घर जाना है। तो इसके 3 सीजन ऑलरेडी ऑफिशियली हिंदी में अवेलेबल है और आप इनके ऑफिशियल हिंदी ट्रेलर्स YouTube पे देख सकते हो। लेकिन आगे के सीजन हिंदी में डब इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि सेंसर बोर्ड ने कह दिया था नहीं भाई नहीं, हमारे टीवी पे ये सब नहीं चलेगा। तो HBO ने भी कहा ओके भाई। तो आज का सीन क्या है, आप YouTube पे सर्च करने निकल जाओगे तो लाखों वीडियो मिल जाएंगी हिंदी डब से रिलेटेड। लेकिन बस यही पे आपको लेजिट बात पता चलेगी, वीडियो का घुमा के 5 मिनट लंबा नहीं खींचेंगे। लेकिन सबसे पहले हाँ, गेम ऑफ थ्रोन्स अभी हिंदी में डब हो रही है। जब आप ये वीडियो देख रहे हो डबिंग चल रही है। गेम ऑफ थ्रोन्स जो कि एक HBO का शो है वो जल्दी हिंदी में अवेलेबल होने जा रहा है। ये बात मुझे कैसे पता? तो वही है कुछ दोस्त अपने, आपको ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है और वो मैं फ्रेंकली शेयर भी नहीं करने वाला। लेकिन सबसे पहली बात, गेम ऑफ थ्रोन्स हिंदी में डब हो रही है मुंबई में। मुझे स्टूडियोज का नाम भी पता है लेकिन नो ना को शेयर का एको करना। जो हम में से नहीं है वो दुश्मन है। दूसरी बात, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि ऑलरेडी गेम ऑफ थ्रोन्स के 3 सीजन हिंदी में अवेलेबल है, तो डबिंग को कंटिन्यू वहां से नहीं किया जाएगा, इसको सिरे से डब किया जाएगा जहां पे सारी स्क्रिप्ट नहीं होगी और आर्टिस्ट नए होंगे। और मुझे बताया गया कि आर्टिस्ट सारे मस्त हैं, ठीक है, काम चल जाएगा, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तीसरी बात, सीरीज काफी जल्दी जल्दी हिंदी डब हो रही है। मुझे ये बताया गया था कि इस पे सीरीज काफी जल्दी डब हो रही है क्योंकि जियो सिनेमा वाले चाहते हैं कि जल्द से जल्द हिंदी डब उनके प्लेटफॉर्म पे आए ताकि वो रोब झाड़ सके ना, जो किसी ने नहीं किया वो हमने कर दिखाया। जो सजा सुना था उसे उस पर अमल भी करना पड़ता है। और चौथी चीज, स्क्रिप्ट तो रेगुलरली लिखी जा रही है। अभी मुझे पता नहीं चला है कि स्क्रिप्ट पूरी के पूरे 1 से 8 सीजन तक खत्म हुई है कि नहीं, लेकिन इतना पता है कि स्टार्टिंग के सीजन गेस करो 4 से 5 इनकी स्क्रिप्ट कम्प्लीटली डन हो चुकी थी और डबिंग स्टार्टिंग के फेज पे था, अब तो वो भी आधे सीजन पे पहुंच गया होगा। सो वेल, जो कुछ आपको जानने की जरूरत थी मुबारक हो, आपको पता चल गई बात। अब ग्राहक होने के नाते चांसेस हो जाओ क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा माल तो डिलीवर होना ही है। अब बात रही बाकी शोज की, मतलब भैया भैया आपने हमें बता दिया कि गेम ऑफ थ्रोन्स हिंदी में डब हो रही है, अब क्या हाउस ऑफ द ड्रैगन, द वायर, सोप्रानोस, अनगिनत HBO के क्वालिटेटिव शोज हैं, क्या वो सब भी हिंदी में डब होंगे क्या? तो मैं कहूंगा होंगे भाई, ठंड रखो, पेशेंस इज द की, क्योंकि हम तो ये कतई एस्टिमेट नहीं कर सकते कि कौन से शोज कब किस प्लेटफॉर्म पे आएंगे। वो सब लोगों को सरप्राइज ही मिलता है क्योंकि मैनेजमेंट डिसाइड करना है क्या कब आना है। कई बार ऐसा होता है कि शोज डब तो बहुत पहले हो जाते हैं लेकिन रिलीज काफी लेट होते हैं, और कुछ शोज तो बस डब होते होते ही कभी रिलीज नहीं होते। सो अब ध्यान से सुनो, आपने करना गया लॉकडाउन एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि भूल जाओ कोई नहीं लाके दे पाएगा आपको ऐसे अपडेट्स सिर्फ इस चैनल के। और मैं अनगिनत बार कह चुका हूँ, इंस्टाग्राम पे ही अनगिनत मजा है। अगर आपको मजा आ रहा है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और कमेंट पे जाकर बस DP लिख देना। मुझे नहीं पता क्यों लिखोगे तुम, पर लिख देना, अच्छा लगेगा। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड ऐसी और वीडियोस हम बनाते रहते हैं, रेगुलरली आती रहती है, रोज अपलोडिंग चालू होती रहती है, तो आप उनको चेकआउट करके भी जरूर जाएं ताकि रात को चैन से नींद आए। ये लास्ट वाला पार्ट सिर्फ उन लोगों के लिए था जो कि हमारे साथ है, वरना काम की बात तो पहले ही खत्म हो चुकी है मेरे दोस्त। आश्वासन दिलाता हूँ, सो जाओ, GOT की हिंदी डब होगी।